देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। भारत का 70 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। शनिवार सुबह 7:55 पर नामीबिया से स्पेशल फ्लाइट 8 चीतों को भारत लेकर आई। 24 घंटों की टीम के साथ चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे। यहां से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कोनू नेशनल पार्क लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर पहुंच गए हैं। यहां से वे भी कोनू के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री 3 बॉक्स खोलकर चीतों को कोनू में क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम को रिसीव किया। इससे पहले ग्वालियर में चीतों का रूटीन चेकअप हुआ। चीतों के साथ नामीबिया की वेटरनरी डॉक्टर एना बस्टो भी आए। चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया है। लकड़ी के बने इन पिंजरों में हवा के लिए कई गोलाकार छेद किए गए हैं। पिंजरों को ट्रॉली के जरिए चिनूक हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया गया था। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। मोदी कोनू में आधा घंटे रहेंगे। इस दौरान वे चीता मित्र दल के सदस्यों से बात करेंगे। पार्क में स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन इन बच्चों के साथ मनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। देश में चीते विलुप्त हो गए थे और इन्हें फिर से बसाना एक ऐतिहासिक कदम है। यह इस नदी की सबसे बड़ी वन्य जीव घटना है। इसे मध्य प्रदेश में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।